पीस एंड ब्रदरहुड फोरम की तरफ से जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बारे में हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है, आपको एक हैंडआउट भी हम दे देंगे। इस सड़क पे जैमिंग हो रही है और लोग पेशेंट्स स्टूडेंट्स लेबरर्स गवर्नमेंट एम्प्लाइज सफ़र कर रहे हैं फॉर आवर्स लॉन्ग। जो जर्नी 4 घंटे की है वो 28 घंटे में हो रही है और पीपल आर बैडली सफरिंग और उनकी सफरिंग्स के बारे में कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। हालांकि गवर्नर को एक हमने ओपन लेटर भी लिखा कि आप देखिए कि लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन पेरिशेबल आइटमें रास्ते पर ख़त्म हो रही है, क्रिटिकल पेशेंट्स मर रहे हैं एम्बुलेंसेज में, कोई पूछने वाला नहीं है, इससे ग्रेव ह्यूमन राइट अब्यूज। आप इस सड़क की हालत देखें, मैं मीडिया के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी अपनी एक अलग से कमेटी बनाएं और देखें इस रास्ते को क्या हाल है। गवर्नर साहब उनके एडवाइज़र उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स यहां से जहाज़ों में चढ़ के जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं और ये सड़क गरीब लोगों के लिए रखी गई है। इसमें जो ट्रेजेडीज हो रही हैं उसको मैं आपके सामने रखूँगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कम्युनिटी लेबरर्स गवर्नमेंट एम्प्लाइज पेशेंट्स ओल्ड इनफर्म दे आर ऑल फेसिंग बैड डेज, मर रहे हैं रास्तों पर लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि मैंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें सोमोटो नोटिस ले लें और इस ट्रेजेडी को लीगल एक्शन इनिशिएट करें गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। This is the responsibility of the state to provide a hassle-free and safe, uninterrupted travel to the tax-paying passengers of the state. And state has totally failed. There is an absolute chaos on the road. लोग रास्तों में दरबदर होते हैं, घंटों दिनों दरबदर होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। State is liable to pay compensation to the sufferers. गरीब लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए जो रास्तों पर खड़े रहते हैं दिनों में। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, उनकी पेरिशेबल आइटमें रास्ते में ख़त्म होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं लीगल फ्रेटर्निटी जो जम्मू कश्मीर की है उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो आएं और लोगों को जो सफरर्स हैं जो विक्टिम्स हैं इस रास्ते पर चलने वाले उनके उनको लीगल एक्शन उनका करें, गवर्नमेंट को स्यू करें, उनको कंपनसेशन दिलाएं और एक कमीशन मुकर्रर किया जाए और देखा जाए कि ये लोग क्यों किस तरह से ये रास्ता जो है नाकाबले रफ्तार है, इतनी जैमिंग क्यों हो रही है, मिसमैनेजमेंट इल मेंटेन रोड है, ये मिसमैनेज हो रही है, ट्रैफिक पुलिस इसमें कल्प्रिट है, वो भी इस मैस को क्लियर करने से ज़्यादा इस मैस को आगे बढ़ा रहे हैं। कन्फ्यूजन है, कोई बुलेटिन नहीं है, न्यूज़ बुलेटिन नहीं है जो लोगों को यह बताए कि भाई आज रास्ता बंद है, इस वक्त जाम लगा हुआ है, लोग घरों से निकलते हैं फिर उनको पता लगता है। और ये 2 दिन का बैन इसने इसको मल्टीप्लाई किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज ये एक बड़ा ह्यूमन इशू है। मैं लीगल फ्रेटर्निटी को भी और बिलखसूस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू और ट्रेड बॉडीज जो हैं श्रीनगर की ट्रेड बॉडीज है उन्हें सामने आना चाहिए, ये एक ह्यूमन इशू है, इसमें किसी की सियासत इन्वॉल्व नहीं है। तो सारे लोगों को आना चाहिए, जितने भी हमारी ट्रेड बॉडीज हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी जो बॉडीज हैं उनको सामने आना चाहिए और लोगों और गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए कि वो लोग इसका कोई समाधान निकाले। और ये लोग स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखें जो गैमन वालों को इन्होंने ठेके दिए हुए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल से रट्स पड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पसियां बनी हुई हैं रास्तों में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खुदा का खौफ नहीं इन लोगों को कि भाई गरीब लोगों का कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि इससे कोई सियासत किसी की चमकेगी नहीं, लिहाजा इस बारे में कोई बात करके राजी नहीं है। हम आपसे भी मीडिया की फ्रेटर्निटी से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी इसमें कॉग्निजेंस ले लें, हम आपको हैंड आउट भी दे देंगे और आप भी अपनी तरफ से इसको हाईलाइट करें। कुछ